आज का अपना टॉपिक है एरेस, राइट, जिसका नाम है एरेस। एरेस जनरली जो किस तरह के एरे होते हैं, एरेस का मतलब क्या होता है, व्हाई वी नीड एरे, व्हाई वी नीड एरे, राइट, उससे पहले उसके बाद व्हाट इज एन एरे, ठीक है, पहले व्हाट इज एन एरे, व्हाई वी नीड एन एरे, टाइप्स ऑफ एरे, टाइप ऑफ एरेस, ठीक है, ये चीजें हम समझेंगे आज। पहले तो एरे जो है, राइट, आपके हिसाब से कभी आपने ये वर्ड सुना है, एरे क्या चीज है, वर्ड सुना है, नहीं सुना है, चलो अब मुझे बताओ, मैंने आपको प्रोग्रामिंग पढ़ाया, इसमें आपको मैंने बताया वेरिएबल, ये वर्ड सुना है ना, तो वेरिएबल क्या है, डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयरिंग विद द नेम है कि नहीं, फिर इसका यूज क्या होता है, स्टोर करता है वैल्यू, राइट। आपको याद हो तो मैंने पूछा था कि कंप्यूटर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें से एक टॉपिक था कि उसकी मेमोरी, स्टोरेज मेमोरी, एक स्पीड बात हुई थी कि कंप्यूटर बहुत तेज है, फास्ट है, उसके बाद स्टोरेज मेमोरी का, लेकिन हमने फिर भी कहा था कि मैनेजमेंट हम ही करते हैं, ठीक है ना। नाउ अब सोचो, अब सोचना सिंपली चीजें आपको समझाने से पहले, मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे चार स्टूडेंट्स की मार्क्स लेने हैं, ठीक है, चार स्टूडेंट्स हैं उसकी मार्क्स लेनी है, तो कैसे डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल, फ्लोट m1, m2, m3, m4, सही है कि गलत है, सही है ना, राइट, तो ये चार डिक्लेयर कर दिए। अब सोचो ये चार की जगह मैं बोलता हूँ मेरे 20 वेरिएबल डिक्लेयर करना है, 20 स्टूडेंट्स की मार्क्स लेनी है, तो क्या करेंगे जरा बताओ भाई, फ्लोट m1, m2, m3 ऐसे कितने करेंगे, m20 तक है। अब मैं अगर आपको बोलूं मुझे 200 स्टूडेंट्स की मार्क्स लेनी है, तो क्या करोगे जरा बताओ, M1, M2, M3, M200 तक डिक्लेयर करोगे, राइट। अब ये तो खाली डिक्लेरेशन हुआ, फिर इनकी वैल्यू के इनपुट लोगे, है कि नहीं। अब मैं आपको बोलूं कि मेरे को, राइट, 200 स्टूडेंट है और सारे स्टूडेंट के साथ साथ सब्जेक्ट है, कितने वेरिएबल हो जाएंगे, 7 × 200 यानी 1400 वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, तो क्या, हाँ, बस ये पूरा प्रोग्राम वेरिएबलों से भर दोगे, राइट, तो कितनी स्टोरेज हो जाएगी, राइट, स्टोरेज तो कितनी भी हो लेकिन डिक्लेरेशन कितना हो जाएगा, राइट, तो ये थोड़ा सा सिस्टम जो है वो गड़बड़ है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इसका सॉल्यूशन है एरे, क्या है इसका सॉल्यूशन है एरे, एरे इज ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ, सिमिलर डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल्स विच हैज कंटिन्यूअस मेमोरी, ठीक है। अब ये है क्या चीज, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 4, 20 या 200 जितने भी मुझे डिक्लेयर करना है, तो मैं डिक्लेयर कैसे करूंगा, यानी इसके समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ एक्सेल देख के, ताकि आप चीजों को आसानी से और समझ पाओ। देखो समझो, अभी जैसे मैंने कहा, बाद में डिस्कस करो, देखो अभी इस पे पहले ध्यान दो, राइट, भटको मत। देखो अब ये क्या चीज है, आप समझो, ये एक एक सेल है, है, तो ये सेल जो है, मुझे बताओ इस सेल को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, इसके नाम से, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि ये एक वेरिएबल है। मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, यहाँ वैल्यू लिखता हूँ 10, 20, 30, है ना, फिर यहाँ लिखता हूँ 20, 30, 50, तो मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, मैंने क्या लिखा, a1 + b1, तो a1 + b1 का मतलब क्या होता है, a1 क्या हुआ, वेरिएबल हुआ ना, है कि नहीं, तो a1 एक वेरिएबल हुआ कि नहीं, b1 वेरिएबल हुआ कि नहीं, तो ये किसमें लिखा जा रहा है, यहाँ पढ़ो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे एंटर मारूंगा, तो ये क्या नाम लिखा है, C1, C1 is equal to A1 + B1, ऐसा ही दिख रहा है ना, ये C1 लिखा है, राइट, और इधर क्या लिखा है, is equal to A1 + B1, तो हम लोग C में भी ऐसे ही लिखते हैं ना, C is equal to A+B लिखते हैं कि नहीं, तो ये A, B, C क्या चीज है, अगर हम C की बात करें तो क्या चीज है, वेरिएबल, यानी देखा जाए तो एक तरह से एक्सेल का सेल ब्लॉक हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं एक ब्लॉक, तो एक्सेल और सी में फर्क क्या हुआ, दिखने में फर्क है,
यहाँ विजुअलाइज देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ इमेजिन करना पड़ता है हमें, इमेजिन करना पड़ता है ना। यहाँ पे इतने सारे मेरे पास कॉलम और रोज देके रखे हैं पहले से ही, और मेरे को यहाँ जितने चाहिए मैं उतने यूज करूंगा, ज्यादा तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं इतने यूज तो यहाँ भी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ भी कितने ही कर रहा हूँ, इतने ही कर रहा हूँ ना। जनरली देखो मैंने इतना सारा मेमोरी है, लेकिन मैं इस्तेमाल कितनी कर रहा हूँ, सिर्फ 9 सेल है कि नहीं, सिर्फ 9 सेल ही तो यूज कर रहा हूँ। तो अब इस केस में क्या करना है, ये हो गया एक 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 ब्लॉक, एक एक ब्लॉक, राइट। अब एरे क्या होता है, ये तो एक एक इंडिविजुअल है ना, तो अब समझ लो एरे होता है कंटिन्यूस मेमोरी का ग्रुप। तो मुझे यहाँ पे ये देखो, ये पूरा का पूरा मैं बोल सकता हूँ ए पूरा का पूरा, इतने सारे रोज हैं 1 2 3, ये सारे ए हैं कि नहीं, तो इसके आगे क्या लिखा है, 1 2 3 क्यों लिखा हुआ है, ये सेल के लिए है कि नहीं, ये ए जो है कॉलम का नाम है, ये रो 1 2 3 4 है ना, तो इसको पूरे को बोलेंगे हम ग्रुप, बोलेंगे कि नहीं, ये पूरा ए का ग्रुप है, फिर ये बी का ग्रुप है। तो अगर ये एक सेल है यानी एक वेरिएबल है, तो ये कितने सारे वेरिएबल है, पहले से ही डिक्लेयर्ड है, 1,48,576 वेरिएबल पहले से ही एक ही डिक्लेयर्ड है, राइट। तो ऐसे ही यहाँ भी डिक्लेयर करते हैं, कैसे करते हैं ध्यान से देखना, यहाँ इंटीजर मेन, राइट। अब ये तो एरे था, राइट, एरे क्यों चाहिए वो बता दिया ना, कि व्हेन बिकॉज वी नीड मेनी, बिकॉज वी नीड, व्हेन वी नीड, राइट, many variables of same type we use an array. Okay, type of array में होता है one dimension array, two dimension array and multi dimension array. आपके scope में समझने के लिए है one dimension and two dimension, multi dimension नहीं, ठीक है, ये दो समझना है, ठीक है। So what is one dimension and what is two dimension and multi dimension? वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है, अगर आप वन डायमेंशन वर्ड समझे हो तो चार्ट बनाते हो कोई भी एक ही डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन है ना, तो चार्ट में क्या होता है, दो डायरेक्शन होती है ना, एक्स और वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोलते हैं ना, तो एक एक्सिस कौन सी है, एक्स या वाई, यानी या कॉलम्स या रोस। तो अभी पहले हम समझ रहे हैं 1D array, ठीक है, 1D array को डिक्लेयर कैसे करते हैं। देखो जैसे मैंने बोला चार वेरिएबल चाहिए या पांच चाहिए, M1, M2, M3, M4, M5, M6, ठीक है ना, ये 6 वेरिएबल हैं, 10 वेरिएबल हैं, 60 वेरिएबल हैं, 100 वेरिएबल हैं, कितने भी हैं, ठीक है, M50 तक, यहाँ M कर दिया, 50 डिक्लेयर किए, इसकी जगह कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे इंटीजर M, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे 50, खत्म। ये हो गया डिक्लेयरिंग एन एरे, ये एरे को डिक्लेयर किया, समझे। तो वो हटा दिया, हाँ उसकी जरूरत, इसका मतलब क्या हुआ वही तो बता रहा हूँ, अभी डिक्लेयरिंग एन वन डी एरे, ये इसने 50 सेल ले लिए, 50 के 50 सेल इसने बना दी। अब ये 1 से 50 नहीं है, ये 0 से 49 है, इसका स्टार्टिंग नंबर 0 होगा। अब इसको समझो, ये वन डायमेंशन, इसको आप रो कॉलम मानो या रो मानो, कैसे भी मानो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे मैं यहाँ 50 की जगह करता हूँ 10 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मैंने सेल बना लिए, देखने वाली चीज़ है, ठीक है, ये 10 सेल सिलेक्ट किए, राइट, यहाँ पे इनको ब्लॉक कर देता हूँ, राइट, ये सेल बना दिए, ये देखो अब ये क्या हो गया, ये M, इसका नाम हो गया M, ठीक है। अब ये क्या है, 10 ब्लॉक है, अब ये क्या होगा, ये पहला वाला ब्लॉक M of 0, M of 1, ठीक है, M of 2, फिर क्या आगे, M of 3, लास्ट क्या होगा, M of 9, 0 से 9, ठीक है। तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसको रेफरेंस कैसे करेंगे, 0, ऐसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स पोजीशन, क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है, ये इंडेक्स है, तो इसलिए इसको कहा जाता है M of 0, राइट, समझ आ रहा है। तो ये M of 0 की वैल्यू क्या है, अभी तक कुछ नहीं लिखी है, 25, तो मैं क्या लिखूंगा, M of 0 is equal to 25, तो वैल्यू इसके अंदर लिखी गई, ये एड्रेस है इसकी। अब मैंने जैसे A वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर दिया, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर A, तो ये क्या है, ये एक ही है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक सेल होगा, कोई भी कहीं भी हो सकता है, इसका नाम है, राइट, इसका नाम हो जाएगा A। अब इधर लिखा A is equal to 50, इसका मतलब क्या हुआ,
कंप्यूटर की मेमोरी में ए की वैल्यू 50 जाएगी, ठीक है, इधर देखो बाद में करो, ठीक है, ए की वैल्यू 50 हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये स्टोर हो रहा है कंप्यूटर में, मेमोरी में ऐसे स्टोर होता है, एक ब्लॉक बनाया उसका नाम दे दिया ए और उसकी वैल्यू डाली 50। अब ऐसे ही मैंने यहाँ 10 डिक्लेयर किए तो 10 डिक्लेयर तो हो गए, लेकिन इनकी वैल्यू कहाँ है, वैल्यू तो कुछ भी नहीं डाली है। तो वैल्यू कैसे डालेंगे, डालने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे मैंने ए से लिखा इंटीजर ए दो लाइन में लिखा, राइट, ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए इज इक्वल टू 50 कर सकता हूँ ना, तो इसको भी कर सकते हैं इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में, राइट, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन की जगह, डिक्लेयरिंग की जगह पे बोलेंगे इनिशियलाइजेशन की वैल्यू भी दे दी, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे वैल्यूज, हमने वैल्यूज बता दी ना, तो ये हो गई वैल्यू। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे डिक्लेयर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये हमने प्रिंट कर लिया, राइट। अब आप इसको प्रिंट कैसे करोगे, जैसे प्रिंट एफ करते थे, प्रिंट एफ कैसे करते थे, ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश एन करते थे, ए वैल्यू लिखते थे ऐसे, राइट। अभी मुझे समझो यहां करना है प्रिंट एफ एम ऑफ जीरो इज इक्वल टू, अब ये भी इंटीजर टाइप का ही है ना, इसका टाइप ही तो इंटीजर है, तो एम ऑफ जीरो इज इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश एन, यहां क्या लिखूंगा एम ऑफ जीरो, फिर क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये हम अब जीरो की जगह पे क्या लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखो कितना लेंथी रास्ता है कि नहीं, ऐसा करना चाहिए। ये तो मैंने सिर्फ कितने 9 डिक्लेयर किए, ठीक है, सेव करते हैं, सेव 1D एरे, एरे 1D रन करते हैं, देखो कोई एरर क्या आया, व्हाट हैपेंड, अच्छा हैश इंक्लूड तो कुछ किया ही नहीं भाई, ठीक है रन, देखो आया वैल्यू भाई ना 10। अब इतना सारा लिखने का, अगर ये 100 होते तो हमने लूप क्यों सीखा, तो हमने लूप क्यों सीखा, देखो अभी ध्यान से, लूप इसीलिए सीखा, यहाँ क्या लिखेंगे फॉर आई इज इक्वल टू जीरो आई इज लेस देन 10 आई प्लस प्लस, ये कितना चलेगा जीरो से, जीरो से लेस देन 10 का मतलब क्या हुआ, जीरो से 9। अगर मैं यहाँ प्रिंट कराऊ आई की वैल्यू तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू परसेंटेज डी, आई की वैल्यू क्या होगी जरा बताओ, क्या होगी, जीरो से 9 होगी ना, ठीक है ना। अब यहाँ देखो ये 0 से 9 वैल्यू स्टोर की है इसमें, अगर मैं इसकी जगह आई बोलूँ तो यहाँ लिखूँ अगर m ऑफ परसेंटेज d इज इक्वल टू i, राइट, अब यहाँ कॉमा m ऑफ i, राइट, ये हटा दो सारा, देखो ये लो, चलो समझाओ कैसे खड़ा हो गया, देख पहले से आराम से, ठीक है, अब क्या था पहले इतना सारा कोड था, अब इसको रिड्यूस कर दिया, देखो अब देखो क्या था m ऑफ जीरो, अब मुझे बताओ यहाँ i की वैल्यू क्या है, जीरो, तो ये क्या होगा m ऑफ जीरो, फिर दोबारा लूप i की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये क्या होगा 1, यानी ये यहाँ क्या है m ऑफ जीरो, फिर m ऑफ 1, m ऑफ 2, यही आ रहा है ना m ऑफ i, हाँ अपने आप होता जा रहा है, सोचो, तो ये है हार्ड वर्क और ये स्मार्ट वर्क, राइट। तो आपको देखना है इस तरह से, है कि नहीं, समझ में आया पक्का ना। अब देखो अब ये आपने किया वैल्यूज आ गई, अब ये 10, 100, 50, 100 हो क्या फर्क पड़ेगा उससे, है कि नहीं, है ना। चलो अब इसका इतना क्लियर हुआ, अब इसका इनपुट लेना सीखते हैं, राइट, ये प्रिंट करना आ गया ना, तो हमें ए की अलग वैल्यू ली और एम की अलग ली, समझाने के लिए, नहीं बेटा 1D है, 2D नहीं है, 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन, कैसे तुम 2D बोल रहे हो, 2D है ही नहीं है, 1D है, कैसे 2D समझ रहे हो, ये तो a लिया है, हाँ, तो a दूसरी डायरेक्शन में रहा है और वो दूसरी डायरेक्शन में, कैसे समझा नहीं, a मतलब a हमने उसका लिया, ये तो हमने इसमें से 50, ये बेटा ये तो एक वेरिएबल की वैल्यू है, है तो एक वैल्यू ना,
ये ए, 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 एक सेल हुआ, ये सेल का नाम है ए, ये जो है ना इसका नाम है ए, इसके अंदर वैल्यू डाली मैंने 50, तो ये अभी चलेगा तो नीचे चलेगा तो 2D हो जाएगा। अरे भाई लेकिन ये एक ही है ना, कैसे चलेगा? अगर मैं यहाँ लिखूंगा 50 तो यहाँ 50 दूसरा कैसे आएगा? दूसरा इधर ही आएगा 60, दूसरी वैल्यू थोड़ी है, दूसरी प्लेस ही नहीं है। अब मुझे बताओ कि ये हमने एक कुर्सी रखी है तो एक कुर्सी पे कितने लोग बैठ सकते हैं? चाहे 50 को बिठाओ, 75 को, अब 85 को बिठाया, तो अगर दूसरा तो नीचे जाएगा कि तो फिर अरे है ही एक कुर्सी, ये ए एक ही वेरिएबल है ना, मतलब बी डाले तो एक ही कंटेनर है ना, कंटेनर एक ही है ना। अब बी बनाओगे, जब आप बी बनाओगे तभी बी आएगा ना, तो नीचे जाले कहीं भी जाएगा वो, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर नीचे जाए ऊपर जाए कहीं भी जाए अलग इधर जाए, लेकिन एरे हमेशा कंटिन्यूस होगा। मैंने इसलिए क्या लिखा, एरे में कंटिन्यूस मेमोरी लिखा ना, एरे में कंटिन्यूस मेमोरी होती है, लेकिन जो वेरिएबल है वो कहीं भी हो सकता है, साथ में भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, समझे? लेकिन अगर आप इसको ए मान रहे हो तो 50 है, अगर आप 60 लिखोगे तो ए इधर ही 60 हो जाएगा ना, दूसरा थोड़ी 60 होगा, एक प्लेस तो एक ही है ना, एक ही तो एक एक सेल हुआ ना खाली, ये पूरा ग्रुप हुआ ना। तो मैंने क्या बोला, एरे इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना, राइट? समझ में आया? तो ये एरे जो था, राइट, इसमें हमने देखा किस तरह से हम इनिशियलाइज करते हैं, किस तरह से प्रिंट करते हैं, इनपुट लेना, अगले वीडियो में देखते हैं। चलो, एम ऑफ आई की वैल्यू है ना बेटा, यहाँ क्या लिखा है, आई की वैल्यू क्या है, जीरो, तो एम ऑफ तो पहले इसलिए तो लिखा है, तुम्हें पूरा लिख के तो पूरा का पूरा ये क्या दिखाया मैंने, ये क्या है, एम ऑफ जीरो, तो यहाँ एम ऑफ जीरो लिखा, राइट, ये परसेंटेज डी यानी एम ऑफ जीरो हुआ ना। तो फिर मैंने पूछा कि आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू दिखाई ना 0 to 9, क्यों दिखाई, इसलिए तो दिखाई कि समझो कि मुझे 0 to 9 चाहिए, तो मैं इसकी जगह डायरेक्टली आई लिख सकता हूँ ना, समझे? स्मार्ट वर्क करना है बेटा, हार्ड वर्क नहीं करना है। कहाँ है कैरेक्टर मुझे बताओ, ये क्या है, परसेंटेज डी है ना, परसेंटेज डी यहाँ पे एम ऑफ जीरो, आई क्या है, आई की वैल्यू क्या है, तो वेरिएबल क्या स्टोर करता है, वैल्यू, जीरो क्या है, ये इंटीजर है ना, आई क्या है, इंटीजर है ना, तो मैंने यहाँ पे आई उसमें लिखा है ना, वेरिएबल लिखा है ना, आई की वैल्यू प्रिंट करो, स्मार्ट वर्क करो ना यार, ठीक है? तो ये एरे इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन देख लिया, इनपुट के लिए अगले वीडियो में देख